नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बालोद की, जहां बच्चों के विकास के लिए स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आगे बात होगी हरदोई की, जहां परिवार संग ससुराल से घर लौट रहे बाइक सवार को चारपहिया वाहन ने मारी टक्कर। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां विचाराधीन कैदी के इलाज के दौरान हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है। यहाँ एसटीएफ आगरा और थाना हरिपर्वत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के पिस्टल सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश से आगरा लाकर करता था पिस्टल सप्लाई। अभियुक्त के कब्जे से 4 अवैध पिस्टल बरामद की गई। 12,000 में पिस्टल की खरीद कर अच्छे दामों में पिस्टल करता था सप्लाई। मुरैना का रहने वाला है पकड़ा गया अभियुक्त। कोडवर्ड से होती थी पिस्टल की डिलीवरी। एसपी हरिपर्वत आदित्य कुमार ने दी जानकारी। टीम ने इंस्पेक्टर हरिपर्वत आलोक कुमार, एसटीएफ निरीक्षक हुकुम सिंह, एसआई केवल सिंह और एसआई अनुज फोगाट शामिल रहे। कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे? देखिए, दिनांक 24/5/2024 को थाना हरिपर्वत पुलिस और एसटीएफ आगरा इनको सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि भिंडा रहने वाला है, वह अवैध पिस्टलें सप्लाई करने के लिए आगरा आया हुआ है। उसके क्रम में टीमें बनाई गई, उनके द्वारा कार्रवाई की गई। पकड़े गए व्यक्ति का नाम छोटेलाल कुशवाहा है, जो जिसकी भिंड का रहने वाला है, उम्र 50 वर्ष, और यह उसके पास से हमें 4 पिस्टल मैगजीन के साथ 32 बोर, 4 एक्स्ट्रा मैगजीन, एक कीपैड और 560 रुपये बरामद हुए। उससे हमें और भी जानकारी मिली है, जैसे कि वो कहाँ से ये लेके आया था, कहाँ मैन्युफैक्चर होती है और किस तरीके सप्लाई करता है। उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है और हमारी टीम उसको भी काम करती है। ठीक। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत पिंडरवानी से है। यहां शासन के दिशा निर्देश के अनुसार बच्चों के विकास के लिए स्कूलों में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहां विभिन्न प्रकार के खेल जैसे शतरंज, कैरम, रंगोली, निबंध, इसी प्रकार से कई प्रकार के खेल द्वारा बच्चों के विकास के लिए ये समर कैंप का आयोजन शासन द्वारा किया जाता है। साथ ही शासकीय हाई स्कूल पिंडरवानी में बोर्ड परीक्षा का भी रिजल्ट अच्छा रहा, जिसके लिए विद्यार्थियों के पलकों द्वारा शिक्षकों को धन्यवाद प्रेषित किया गया। आज के दिवस में मुख्य रूप से उपस्थित रहे छगन लाल साहू, एचएस श्रीमती टीकेश्वरी साहू, पीएस तुलेश्वर प्रसाद, पीएस विद्या सोनी आए, क्या कुछ कहा सहायक प्राचार्य नरेश सिंह नागरवंशी ने, सुनवाते हैं। मैं नरेश सिंह नागरवंशी, प्रभारी प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पिंडरवानी। समर कैंप का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशानुसार 20 मई से 30 मई तक आयोजन करना है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का समायोजन किया गया है, जिसमें है रंगोली है, निबंध, कहानी, क्विज और खेलकूद, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम इत्यादि खेल है, जिससे मतलब बच्चों का बौद्धिक विकास एवं मानसिक विकास समाहित है, जिससे बच्चों का सतत निरंतर विकास होगा, ऐसा प्रयत्नशील हम समस्त विद्यालय की ओर से बच्चों के लिए किए जा रहे हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2023-24 का रिजल्ट हमारे विद्यालय का हाई स्कूल पिंडरवानी का रिजल्ट 82.93% आए हैं, जिसमें प्रथम 5 बच्चे और द्वितीय 13 बच्चे और तृतीय 6 बच्चे उत्तीर्ण हैं, 2 सप्लीमेंट्री और 5 बच्चे फेल हुए हैं। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के बेनीगंज क्षेत्र में अपने परिवार के साथ ससुराल से घर लौट रहे बाइक सवार की बाइक में लालपुर समीप चारपहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे अशोक, प्रीति, अपूर्वी, अभिजीत निवासीगढ़ निशानपुरवा थाना टडियावा घायल हो गए। राहगीरों ने सूचना एम्बुलेंस को दी, जहां मौके पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचे EMT राहुल सिंह और पायलट महेंद्र ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा पहुंचाया। दूसरी घटना पिरकापुर हत्याहरण मार्ग पर बेलंदखेड़ा के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे मल्हपुर निवासी अंकित घायल हो गए। परिजन ने उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावा लेकर गए, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों घटनाओं में घायल हुए 5 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया। हरदोई से सीनियर संवाददाता शिवम की रिपोर्ट।
पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनिकापाड़ा पंचायत के मुखिया कौसर उसकी लड़की की जघन्य हत्यारोपी समीम अख्तर की मौत आज इलाज के दौरान सोनाजोड़ी सदर अस्पताल में हो गई। जेलर ललन भारती ने बताया कि विचाराधीन कैदी समीम ने अहले सुबह 3 बजे सिर में चक्कर होने की सूचना दी और उसे तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल चिकित्सा एस के झा द्वारा इलाज शुरू किया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों के मुताबिक विचाराधीन कैदी की मौत हृदय गति रुकने से हुई। मृतक सदर प्रखंड के मनीरामपुर गाँव का रहने वाला था। मृतक को मजिस्ट्रेट क्रांति रश्मि के सामने वीडियोग्राफ कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो बंदी था, बंदी के लिए जो जेलर साहब हैं उनका तबीयत खराब हो गया था। 3:40 के अराउंड उन्होंने फ़ोन किया कि जो समीम अख्तर है उनका जो तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया, सर आप तुरंत आएँ जेल। तो मैं उनका स्पष्ट किया कि मैं अभी इमरजेंसी नाइट ड्यूटी सदर अस्पताल पाकुड़ में हूँ, तो मैं अपनी हॉस्पिटल को रात में छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। कोई डॉक्टर का वैकल्पिक यहाँ व्यवस्था था नहीं, तो आप ऐसा करें कि आप रोगी को ही यहाँ शिफ्ट करवाएं। फिर रोगी चुके लाने में बहुत सारा प्रोसेस था, तो उन्होंने सारे प्रोसेस को दरकिनार करते हुए तुरंत एम्बुलेंस का व्यवस्था करके यहाँ रोगी लाए। तकरीबन 4 बजे हमने रोगी को देखा तो पल्स काफ़ी फीवल था, पेशेंट एकदम अनकंसस था, और देखे कि हम कोशिश कर सकते हैं तो उसको एडमिशन लेके हमने करीब 10 मिनट करीब CPR किया, जो ऑक्सीजन देना था, जो इमरजेंसी ड्रग है देने के बाद, और 4:15 तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि एकदम पल्सलेस हो गया, उनका डेथ हो गया। मौत को लेकर के सर क्या मौत, देखिए तो बीमारी है या ये इसलिए नहीं हो सकता कि जेलर साहब से वार्तालाप हुई या उन्होंने जो कंटेक्स्ट में बताया, रात उन्होंने मैच देख के खाना खा के बड़ी हंसी खुशी के मिजाज से सोए थे, और उनके बगल वाले भी सोए थे, उन्होंने भी नहीं बता पाए कि सडन ये सीरियस हो गए। तो ये लोग जो रिपोर्टिंग हुआ रात में, तो उन्होंने जो रिस्पॉन्ड किया, हमको कॉल किए 3:40 के राउंड में करीब, उसके बाद वो हरकत में आके पूरा उन प्रकार यहाँ शिफ्ट कराया गया। यहाँ आने के बाद उनको सुबह इलाजरत था, जो कोशिश करना था हमने किया, लेकिन उनको बचा नहीं पाया। द्वारा जब जांच किया था, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं शिफ्ट किया वार्ड में, मैं तो क्यों वार्ड में शिफ्ट करता, ये डेथ प्राउड डेथ देता ना सर। हमको आलम साथस को फ़ोन किए थे, हमको बोला जेल से हम बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो उसका तबीयत बहुत ख़राब है। किसका? समीम का। सदर अस्पताल लेके आया है, तुम लोग आओ। हम आके देखा है तो उसका डेथ हो गया। उसका रजिस्टर देखा तो 4 बजे उसको एडमिट किए गए हैं और 4:15 में उसका डेट लिखा हुआ है। समीम कौन है? मेरा साला लगता है, उसका जीजा में। किस जुर्म में जेल में? केस में संदोग। आपका नाम क्या? तारिकुल इस्लाम। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। शिवपुरी के सिद्धेश्वर मेले में शुक्रवार रात दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और जमकर लात घूंसे चले, कुर्सियां भी फेंकी गई। इस झगड़े की चपेट में लोग भी आ गए और जो अपने परिवार के साथ मेला घूमने आए थे। कई महिलाओं और बच्चों का भी धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ा। इस मेले में पुलिस भी तैनाती रही, इसके बावजूद मेले का माहौल बिगड़ा। पुलिस भी झगड़े शांत कराने में नाकामयाब रही। आज तक विवाद का स्पष्ट कारण समझ नहीं आया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मेले में सॉफ्टी की दुकान के संचालक मनीष मौर्य का विवाद मेला घूमने आए कुछ CRPF के जवान के साथ हो गया, जिसके बाद मेले में सॉफ्टी की दुकान के संचालक और उसके साथियों ने मेले में घूमने आए CRPF के जवान और उसके साथियों के साथ मारपीट कर दी। उक्त लोगों ने भी अपने बचाव में झगड़ा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट होना शुरू हो गई। मेले में हुए झगड़े में करीब आधा घंटे तक दहशत फैली रही। वहां घूमने आए परिवार भी लौट गए। देर रात दोनों पक्षों का झगड़ा फिजिकल थाने पहुंचा, जो रफा दफा हो गया। मामले में फिजिकल थाना प्रभारी रजनी चौहान का कहना है कि मेले में हुए झगड़े के बाद दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया था, लेकिन किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।